Hello, bachcho. In this question, we are given that for a reaction A to B, enthalpy of reaction is minus 4.2 kilojoule per mole, and the enthalpy of activation is 9.6 kilojoule per mole. The correct potential energy profile for the reaction is shown in option. हमें कुछ ग्राफ्स यहाँ पे दिया गया है, हमें बोलना है कौन सा वाला कर्व यहाँ पे होगा. ओके, सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा, जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा की कॉन्सेप्ट राइट, वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी, से हम ई ए से डिनोट करते हैं. फिर यहाँ पे होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा. ओके, तो अभी इस जो रिएक्शन हमें दिया गया है, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, ए प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स बी, यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो कैसे फाइंड करेंगे. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल एच ऑफ द रिएक्शन, वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ओके, अभी हमें वैल्यू दिया गया है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का कितना है, माइनस 4.2 किलोजूल पर मोल, वो यहाँ पे पुट करेंगे. तो माइनस 4.2, और ये ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी दिया गया है, एक्टिवेशन इज एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6 किलोजूल पर मोल, ये भी दिया गया है. इट इज 9.6 किलोजूल पर मोल माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू 13.8 किलोजोल पर मोल, ये होगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अभी यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ये जो वैल्यू है राइट, यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से ये पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है. अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. तो हमें क्या पता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा राइट. और यहाँ पे अगर हम देखें जो ई ए ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, इट इज लेस देन ई ए ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मिला के कौन सा ग्राफ हम यहाँ पे यूज करेंगे, कौन सा ग्राफ यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर राइट. तो ये वाला कर्व हमारा सही होगा. Okay, I hope you understood. Thank you.